प्याज लहसुन का होता है, बाकी दाल मखनी पालक पनीर मटर को मैं बिना सिर्फ ये प्याज लहसुन का होता है, ये कच्चा होती है काटी का प्याज तेरी है लगी हुई आग शाही पनीर। इनका पूरा खाना जो है देसी घी में बना हुआ है, ये फेमस है अपनी कैटरिंग के लिए। तो ये 65 ईयर शॉप पुरानी शॉप है, जितने भी दिल्ली में पहले पुरानी शादियाँ होती थी ना, इन्हीं की यहाँ पर कैटरिंग होती थी। तो जो खाना भी है वो ना वो शादी जैसा है, काफ़ी सालों बाद ऐसा दिल्ली की शादी में जैसा पहले वो मिलता था ना आपका शाही पनीर, जिसमें क्रीमें डाल के और काजू का पेस्ट दाल डाल के, जिसको ग्रेवी वाला बिल्कुल मक्खन वाला नहीं बनाते थे, ये वो वाला वर्जन है। टेस्ट करें इनका नवरत्न कोरमा। वही शादी वाला टेस्ट है, दाल खा के देखते हैं। जो मिठास इनके शाही पनीर और कोरमे में आती है वो खोए से आती है। सब इसमें प्याज है, इसमें प्याज है, उसमें प्याज है, बाकी अगर प्याज नहीं खाते लहसुन नहीं खाते। अब ये देखो चाप है अमेजिंग, देखो इसमें से क्या टपक रहा है ग्रेवी, धुआ नजर आ रहा है आपको। काफ़ी दिनों बाद एक बढ़िया चाप खा रखी है, जो ओवर पावर नहीं है मसालों से। मिस्सी रोटी खा के देखते हैं, जो आपका पालक पनीर भी है ना, उसका पालक थोड़ा बहुत जैसे हरा टाइप होता है ना, ज़्यादा पकाया नहीं उन्हें, पुरानी दिल्ली स्टाइल कुकिंग है। और इनकी जो चाप वाली सब्जी है जैसे रामलीला में मिलती है ना वैसी है, मज़ेदार। पायलट टेक ऑन दिस प्लेस इज कि टेस्ट वाइज इट्स 9 out of 10, प्राइस वाइज तो बहुत इकोनॉमिक्स है। 100 रुपये में देसी घी का खाना पूरी थाली मिल रही है उसमें, एंड आप ये चाप वाली सब्जी 100 रुपये में खा सकते हो। हाई इन वाइज इज अराउंड 8.8 out of 10। जब तो मैं थाली खत्म करता हूँ, आई थिंक 180 सेकेंड खत्म होने वाले हैं। सब्सक्राइब टू चैनल, रोज़ एक नई वीडियो देखने के लिए। आपको मैं कल दोबारा मिलता हूँ। दिस इज योर निखिल चावला, सी यू टुमारो।